आज हम IVF टेक्निक के बारे में इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे और इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निवेदिता मौजूद हैं। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, 1978 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इस टेक्निक की क्या कुछ खासियत थी, किन मायनों में ये बेहद खास बन गया? आम तौर पे हर औरत के शरीर में अंडाशय में से एक अंडा निकल के ट्यूब में आता है और शुक्राणु के साथ मिलकर एक भ्रूण तैयार करता है। ये भ्रूण आगे चल के बच्चे का आकार लेता है। अगर किसी भी कारणवश ये प्रक्रिया शरीर के अंदर नहीं हो पाती है तो इसी प्रक्रिया को हम शरीर के बाहर लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। अंडा और शुक्राणु, इन दोनों को हम शरीर के बाहर निकाल लेते हैं। इन्हें बाहर लेबोरेटरी हम में मिला के हम एक अच्छी क्वालिटी का भ्रूण तैयार करते हैं और इस भ्रूण को वापस बच्चेदानी के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो सुना आपने कि IVF टेक्निक की क्या कुछ खासियत होती है और कैसे वैसे जोड़े जो संतान सुख से वंचित हैं उनके लिए ये ज़िंदगी में खुशहाली लेकर के आता है। डॉक्टर, अगर निसंतानता के लिए पुरुष जिम्मेदार है तो उन्हें कौन सी जांच व इलाज करानी चाहिए? जिन पुरुषों में शुक्राणु की कोई समस्या हो, इनमें हम सीमेन को वॉश करके अच्छे शुक्राणु चुनकर बच्चेदानी के अंदर डाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को IUI कहा जाता है। इसके अलावा जिनका शुक्राणु का काउंट काफ़ी कम हो, ऐसे पुरुषों में हम IVF या ICSI के माध्यम से डायरेक्टली एक अंडे को एक शुक्राणु से मिलाकर एक अच्छी क्वालिटी का भ्रूण तैयार करके उसे बच्चेदानी में वापस डाल सकते हैं। तो सुना आपने कैसे आपकी समस्या का समाधान IVF टेक्निक के जरिए मुमकिन है। डॉक्टर से और अधिक जानकारी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स को आप डायल कीजिए और डॉक्टर निवेदिता से अपने सवालों का जवाब लीजिए। इसी के साथ इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।